हम क्या बात कर रहे थे, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, बॉक्स हमने बना लिया 0440 और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, फॉल्स है ना। अगर फॉल्स है तो इसका जो ग्राफ है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब उस सॉल्यूशन में जो इसका सॉल्यूशन होगा उसमें ज़ीरो नहीं होगा, मतलब ओरिजिन नहीं होगा, ज़ीरो नहीं, ओरिजिन नहीं होगा। अब देखो ये वाली लाइन है और यहाँ पे इसका ओरिजिन ये है ओरिजिन, और ये इसमें नहीं है, आपने शेडिंग की अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका सॉल्यूशन जो है इसके सॉल्यूशन में ओरिजिन वाला पोर्शन नहीं है, तो ये पोर्शन ही ऊपर वाला आ गया। इसमें क्या डाउट थी, पीछे आंसर मैच नहीं कर रहा। अच्छा तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है, ये इक्वेशन ठीक है। अच्छा चलो चलो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, अगर ये आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है तो आपका ग्राफ यही बनेगा, ये ग्राफ आपका ऐसे ही बनेगा। दूसरी इसमें इक्वेशन क्या है, हाँ जी दूसरी क्या है, टू एक्स हाँ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। और मैं इसे लिख सकता हूँ y लेस देन 2x, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, जाहिर है y उस तरफ चला जाएगा, तो 2x ग्रेटर देन y या y ग्रेटर लेस देन 2x, ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, बात एक ही है। अब आपके पास क्या बन गया, बॉक्स एक्स वाई, हाँ जी आपने एक्स ज़ीरो पुट किया, वाई कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। और फिर आपको ऐसे कंडीशन में कम से कम दो और पॉइंट लेने चाहिए, फोर वन टू, तो आप ड्रा करके देखें, तो यहाँ पे आपके पास है ज़ीरो ज़ीरो, तो एक तो रीज़न पे चला गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, टू फोर, एक्स कितना है टू, वाई कितना है टू, तो ये फोर, और एक पॉइंट लिया वन टू, दिस इज़ टू तो दिस इज़ वन और दे टू, तो देखो इन तीनों में से लाइन ड्रा की तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई, और क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है सो इट विल बी डॉटेड लाइन एक्सक्लूडिंग पॉइंट ऑन इट, आर ग्राफ सॉल्यूशन इसका किस तरफ होगा। तो अब क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, ओरिजिन को ही चेक करते थे, अब ओरिजिन नहीं है तब हमने अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट ले लेना है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो लाइन है इस लाइन के इस तरफ कोई पॉइंट एक ले लो, या इस लाइन के राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट ले लो, कोई एक पॉइंट ले लो, बोलो कोई कौन सा पॉइंट मैं ले लूँ जो इस लाइन के आइदर लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट में ले लेते हैं, चलो लेफ्ट में मैं ये वन है, ये एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक्स वन है और वाई कितना है, तो ये मान लो एक पॉइंट है सी, यहाँ पे 1.4 है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो 1.4 है, ये जो हमने लाइन ड्रा की है इसकी जो शेडिंग है, जो इसका जो सॉल्यूशन है वो इसमें है या नहीं है, तो उसके लिए हम चेकिंग, हमारा क्या चेक पॉइंट क्या, हमारी चेकिंग क्या है, चेक करें, ये ऐसे लिखा मैंने चेकिंग, आपने क्या लिखना है, टेस्टिंग पॉइंट, आप लिखेंगे टेस्टिंग पॉइंट, वो आपने सी ले लिया 1.4, आप इसमें वैल्यू पुट करके देखें, यहाँ पे 4 लेस देन इंटू 1 4 लेस देन 2, बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है, तो ये जो आपने पॉइंट लिया फिर इसके शेडेड पोर्शन में नहीं होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं है तो फिर इसमें शेडिंग भी इस तरफ नहीं होगी, फिर शेडिंग जो है लाइन के दूसरी तरफ होगी, तो हमने शेडिंग देखो इस तरफ की हुई है,
अब यहाँ पे शेडिंग की, अब इसकी कॉमन शेडिंग कहाँ से है, ये देखो कौन सी कॉमन शेडिंग है, ये सिंगल है, ये सिंगल है और ये डबल है, मतलब ये कॉमन है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका ठीक है। अब ये हो गया एक बार। अब दूसरी कहते हैं कि क्वेश्चन और भी है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, अब हम वो भी देख लेते हैं। इसे कर देते हैं सेव, एक मिनट इसको सेव कैसे करेंगे, लिखा गया हो गया सेव ठीक है। तो एक और ले लेते हैं फिर, हाँ इसको उड़ाना पड़ेगा, इससे सारा उड़ जाता ना ये पंगा है। तो चलिए और ले लेते हैं, अब और क्या है, अब क्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 ठीक है, और दूसरा 2x लेस देन 0 ग्रेटर वाला कर दिया ना मैंने क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं लेस है तो लेस वाला कर देते हैं, टू एक्स माइनस वाई लेस देन 0 अब ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, अगर ध्यान दें ये वाला जो डॉटर लाइन है इसका ग्राफ आपने इस तरफ किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो जाहिर इस तरफ क्यों किया था कि वो ग्रेटर देन था, अब क्या है लेस देन है, तो इसके जो पॉइंट है सॉल्यूशन वो चेंज हो गया। आप करके देख लो, अगर हम जहाँ करना चाहते हैं इसका हमने सॉल्यूशन चेक करना है ठीक है। तो सॉल्यूशन चेक करना है तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमें कोई एक पॉइंट चेक लेना पड़ेगा चेकिंग के लिए, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन तो हम ले नहीं सकते, तो कोई एक पॉइंट ले लो, आप एक पॉइंट ले लो ए, और जो इस लाइन कौन सी, ये जो ब्लू डॉटर लाइन है, आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड में ले लो या राइट हैंड साइड में ले लो, आप कोई एक पॉइंट ले लो। तो आप चाहो तो बोलो कौन सा, राइट हैंड साइड वाला कोई पॉइंट चूज़ करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड वाला करूँ, मतलब अपर में चूज़ करूँ कि लोअर में चूज़ करूँ, लोअर में चूज अपर में करूँ, लोअर में करते हैं, चलो लोअर में कोई पॉइंट ले लो, यहाँ से मान लो ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट क्या है 4.4 है, 4.4 इसका मैंने ए नाम ले लिया हुआ। अब हमने इसकी वैल्यू जो है इसमें पुट करनी है, तो 2 4 माइनस 4 लेस देन 0, ये अगर 8 माइनस 4 लेस देन 0, 4 लेस देन 0, इज इट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो ये पॉइंट फिर इसके सॉल्यूशन में नहीं है, तो इसके सॉल्यूशन में नहीं है तो इसके फिर ऑपोजिट होगा, तो फिर इस लाइन के ऑपोजिट वाली जो शेडिंग आपकी होगी, और इस वाली शेडिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो अवे फ्रॉम ओरिजिन था, क्योंकि इसमें हम चेक करें 0+0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अगेन फॉल्स, फॉल्स है, तो ओरिजिन इसके शेडिंग पोर्शन में नहीं आएगा। तो ओरिजिन कहाँ है, ये है, तो लाइन कौन है, ये है, तो फिर इसके अपर पार्ट में जाएगा, नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा तो 0 उसमें इंक्लूड होगा, लेकिन 0 वाला पोर्शन जो है वो इसके सॉल्यूशन में नहीं है। आप बताओ और, अब ठीक है निलेश, हाँ जी हाँ जी, 15 क्वेश्चन, चलिए 15 क्वेश्चन क्या है, चलिए इसमें चलिए करते हैं, हाँ जी
बोलिए क्या है? x प्लस टू वाई, x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू टेन, लेस देन इक्वल टू टेन है ना। चलिए और हाँ जी x प्लस वाई देखिए x हाँ जी x प्लस y ग्रेटर देन चलो और भी हैं, चलो पहले यहाँ तक डिस्कस कर लें, पहले यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। तो x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे अगर हम बॉक्स बना दें पहले वाले का, बॉक्स बनाते हैं, तो एक्स वाई, एक्स कितना 0, वाई कितना 5, वाई 0, एक्स कितना 10, और जब टेस्टिंग पॉइंट करेंगे तो इसका पहले पॉइंट ले लेते हैं, देखो 0, 5, तो ये 0 और ये 5, पहला पॉइंट। दूसरा एक्स कितना 10 और वाई कितना, इसे मिला दिया उसने, आगे बढ़ा दिया। अब आगे काम था कि इसका सॉल्यूशन किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, हाफ प्लेन के लेफ्ट है कि हाफ प्लेन के राइट है, तो ये आपका राइट ले लो या अपर पार ले लो या इसको लोअर मान लो या इसको राइट मान लो इसे लेफ्ट मान लो, जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे चेकिंग पॉइंट ओरिजिन है, तो आप ओरिजिन यहाँ पे पुट करके देखें, 0 प्लस 0 लेस देन 10, और 0 10 से लेस ही होता है, तो ट्रू है। इसका मतलब जो ओरिजिन है इसके सॉल्यूशन में है, इसके सॉल्यूशन में है तो इसके शेडिंग पोर्शन में आएगा। खींचना मत इसको, वो खींच रहा है उधर, थोड़ा सा ढीला छोड़ो अपनी तरफ से। हाँ तो शेडिंग पोर्शन किस तरह होगा, डाउनवर्ड ओरिजिन की तरफ, तो इसने नीचे की तरफ इसको ड्रा कर दिया हुआ। अब नेक्स्ट देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसमें देखो क्या है, अगर मैं इसका बॉक्स बनाता हूँ तो क्या आता है, एक्स ज़ीरो वाई वन और वाई ज़ीरो तो एक्स वन। तो यहाँ पे देखिए ये पहला पॉइंट है, एक ये दूसरा पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट्स को इसमें मिला दिया और आगे बढ़ा दिया हुआ। और डार्क लाइन इसलिए है क्योंकि दो इसमें भी इक्वल का साइन है, इसमें भी इक्वल का साइन है ना। तो टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन, अब चेक करना है कि इसका शेडिंग पोर्शन अबव है कि बिलो है, ठीक है। तो जैसे ये है, या हम ये अपर पोर्शन में है कि लोअर पोर्शन में है। अब देखिए इसमें अगर हम 0 प्लस 0 पुट करते हैं और 0 आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाता है, इट्स फॉल्स। और फॉल्स है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो उसमें ओरिजिन नहीं होगा। तो अगर ओरिजिन नहीं आएगा तो फिर शेडिंग ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तो शेडिंग इसने ऊपर करती हुई है, ठीक है। चलिए आप एक और बोल रहे कि एक और है इसमें, हाँ तीसरा क्या है, यार बड़ा पंगा है इसका। तो ओहो चलिए समझ आ गया मुझे, चल देखते हैं मैं करता हूँ क्या करना है उसका। हाँ जी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अच्छा और भी हैं, चलो पहले इसे डिस्कस कर लें। तो नहीं मिटेगा, मैं मेरे समझ आ गई चीज़ें, क्या गड़बड़ की कर रहा हूँ मैं। चलो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, अब x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब है कि x जो है वो y के इक्वल है, क्या है, x y के इक्वल है।
तो जब भी ऐसा हो तो आपका जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगी और दोनों तरफ बराबर बराबर होगी, मतलब जो वैल्यू आप एक में पुट करें वही दूसरों। एक्स जीरो पुट करो तो ज़ीरो, एक्स वन पुट करो तो वाई भी वन, एक्स यहाँ पे वन ये टू है थ्री है ये पता नहीं क्या जो भी है इसने ये पुट किया है तो ये भी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी जो भी यहाँ पे आएगी वैल्यू। तो ये तीन पॉइंट आपके पास आ जाएंगे और आपने लाइन ड्रा कर दी हुई है, दिस इज एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब फिर क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है फिर आपके पास समस्या है कि इसका शेडेड पोर्शन जो है अपर हाफ में होगा या लोअर हाफ में होगा। अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो आप, तो ये लाइन है आप इस वाला पॉइंट ले लो या ये ले लो, तो हम इसके अंदर वाला को पॉइंट लेते हैं टू फोर, ये इसके पोर्शन इस लाइन के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ले लो या राइट ले लो मैंने इस तरफ ले लिया तो टू फोर है, इसमें टू फोर आप पुट कर दें, टू माइनस फोर लेस देन ज़ीरो माइनस टू लेस देन ज़ीरो, ट्रू है तो ये पॉइंट इसमें लाई करेगा तो इसलिए इसने इसका जो शेडल पोर्शन है इस तरह बना दिया हुआ। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एक और है चलिए। अब देखिए ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक्स और वाई अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मीनिंग है, कितने क्वाड्रेंट आपके पास, एक एक ये है दो है तीन है चार है, तो ये जो आपका ये आ रहा है आपका ये वाला पोर्शन आ रहा ना आपका सॉल्यूशन, यही है ना सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन आपका बाकी नहीं है डबल यही है ना। अब दिक्कत क्या है, कंडीशन आ गई कि x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो y ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, तो हमने कल बात की थी कि अगर ऐसा हो तो इसका क्या मीनिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x जो है वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब तो आपका शेडेड पोर्शन कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा फर्स्ट तक, तो अब आपका जो शेडेड पोर्शन है वो फिर ये फर्स्ट है समझ गए, दिस इज योर सॉल्यूशन नथिंग एल्स, बाकी सब छूट जाएगा। ठीक है ये एक्चुअली इसको समझ नहीं आया मैंने क्या लिखा, इसको समझाना पड़ेगा, चलिए इसको समझाते हैं फिर से, आप समझेगा भाषा, आप समझ गए जे, आप समझा कि नहीं, ये जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था, आपका जो शेडेड पोर्शन है आपका जो शेडल पोर्शन है क्या रह गया ये बस, पहले कहाँ था आगे तक, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि आपके पास कंडीशन आ गई कि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे ये पॉसिबल है क्योंकि इस तरफ सारे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और इस तरफ वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन जो सॉल्यूशन है दैट विल लाई इन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप भी कोई परेशानी है, कोई डाउट है मन में, क्लियर है, वैसे क्लियर हो गया कि डाउट क्लियर हो गया है, ये को तो ना ऐसे क्लियर हो गया।